एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मैं आर्म शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं पर स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर नहीं कर पाया था, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ है, पर इसरो के पास अब इसका जवाब आ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को इसरो ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह कहा गया है कि अंतिम समय के सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण इस प्रकार की घटना हुई, जिससे कि कोई सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 के द्वारा। इससे पहले हम लोगों ने यह खबर जरूर सुनी थी कि नॉर्थ कोरियन मालवेयर ने इसरो की सिस्टम को कुछ इफेक्ट किया है, उस पर अटैक हुआ है, पर इसरो का यह कहना था कि इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पर वहीं इस प्रकार की जो रिपोर्ट में लिखकर आ रहा है कि सॉफ्टवेयर ग्लीच के कारण हुआ है, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरियन मालवेयर की ओर इंगित करता है या उनका हाथ होने की कुछ ना कुछ पुष्टि तो जरूर करता है। फिर भी इसरो के द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकार के नॉर्थ कोरियन मालवेयर की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, केवल और केवल यह जो दिक्कत हुई है वो सॉफ्टवेयर ग्लीच के कारण हुई है, जिसको हम आगे चल के सुधार लेंगे, और इस सॉफ्टवेयर ग्लीच के कारण कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, इस कारण से यह दुर्घटना हुई। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग S-400 की, तो अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसकी 15% हमने पैसे पे कर दिए हैं, जो कि लगभग $630 मिलियन होते हैं। आपको पता है कि US इस पर सैंक्शन लगाने की धमकी कई बार भारत को दे चुका है, पर भारत इसको न मानते हुए, इस पर ध्यान न देते हुए इस डील की ओर आगे बढ़ा, और अब ये खबर आ रही है कि 15% की जो पेमेंट है उसको ऑलरेडी कर दी गई है। आपको पता है कि अगले साल तक हमें इसके जो बैटरीज हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और कहा जा रहा है कि 2025 तक इसकी पूरी डिलीवरी कंप्लीट की जाएगी। भारत के स्पेस सेक्टर से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। भारत जो वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस 2019 होने वाला है, उसमें 5G के लिए जो निर्धारित की गई बैंड है, जो कि 26 गीगाहर्ट्ज़ से 28 गीगाहर्ट्ज़ की बैंड निर्धारित की गई है, उसका विरोध करने वाला है, और रशिया, चाइना और जापान के द्वारा भी इसका विरोध किया गया है, और उनका कहना है कि इस बैंड पर वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और भारत भी अब इसके लिए सामने आ चुका है। आप जानते हैं कि हमारा जो नाविक है वो भी कुछ इसी बैंड पर काम करने वाला है, जिससे कि 5G कम्युनिकेशन के साथ इसमें ग्लीच आ सकता है। इस कारण से इसरो यह चाहता है, और उसने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को यह साफ साफ कह दिया है कि इस प्रकार की जो बैंडविड्थ है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसरो ने इस बैंडविड्थ को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। वहीं चाइना, रशिया और जापान की बात करें तो उनका कहना है कि उनकी आर्मी इस प्रकार के बैंड का इस्तेमाल करेगी, इसलिए 5G कम्युनिकेशन में इस बैंड को न इस्तेमाल किया जाए। तो बड़े बड़े देश विश्व के इस बैंड को इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। आगे देखना यह है कि 5G किस प्रकार से रोल आउट होता है, इन देशों में किस बैंड पर यह काम करता है। वही बात करें कामोव हेलीकॉप्टर की, जो कि भारत और रशिया आपस में पार्टनरशिप करके उसको भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसमें से 200 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स खरीदने हैं। 60 हेलीकॉप्टर्स रशिया से ही बन के आएंगे और बाकी हेलीकॉप्टर भारत में ही बनाए जाएंगे। तो रशिया की यह शिकायत है कि भारत ने अभी तक इसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है, पर भारत वहीं इसलिए इस पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है क्योंकि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट इसमें हो, और इसी चीज को रिव्यू किया जा रहा है। अभी तक 60% इंडिजिनस कंपोनेंट की बात की गई है, और रशिया ने यह कहा है कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है, और वो भारत के बिल्कुल साथ है इस कॉपरेशन में। तो भारत इस चीज को रिव्यू कर रहा है कि कितनी और ज्यादा इंडिजिनस चीज इसमें ऐड की जा सकती है, वो कितने परसेंट होने वाले हैं, और रशिया अभी इस चीज से परेशान है कि भारत इस पर साइन क्यों नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि अमेरिका से हम लोग आर्म ड्रोन्स खरीदने का फैसला कर चुके हैं, जिसमें कि सी गार्डियन ड्रोन को भी खरीदा जाएगा। वही खबर निकल कर आ रही है कि इजरायली आर्म ड्रोन्स को भी खरीदने का फैसला मई 2019 में कर लिया गया है। कुछ इस प्रकार के 10 ड्रोन्स खरीदेगा भारत इसराइल से, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल MOU पे साइन नहीं हुआ है, पर भारत का यह प्लान सामने आया है कि 2 प्रकार के आर्म ड्रोन वो अपनी सेना में इस्तेमाल करना चाहता है, जो कि इसराइली हेरॉन TP होने वाले हैं, और इधर प्रेडिएटर और गार्डियन ड्रोन्स होने वाले हैं अमेरिका की तरफ से। आपको पता है कि कुछ 22 अमेरिकन प्रेडिएटर और गार्डियन ड्रोन भारत खरीदना चाहता है, तो कुल मिला के इनकी संख्या लगभग 30 से 35 तक की होंगी, जिसके द्वारा मिसाइल भी फायर किए जा सकते हैं। हमारे पास अभी तक सुसाइडल ड्रोन्स हैं, जो कि हेरॉप ड्रोन्स कहे जाते हैं, और यह भी हम लोगों ने इसराइल से ही प्राप्त किया है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मतलब कोई सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।